मेरी कॉलीग ए आर वाई न्यूज का एक बड़ा जबरदस्त नाम मारिया मेमन साहबा, ये तो चैनल के देखे ना, यहाँ चैनल में मालकान के अलावा अगर कोई नामवर मेमन है तो मारिया मेमन है। आप देखें तो ये वही वाला मेमन है जो मेमन होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला मेमन है। और लेकिन हमारी आप मेमनी में शो के बारे में कुछ कमेंट करें ना। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जुबान नहीं आती क्योंकि आप मेमन है, आपको मेमन जुबान नहीं। आई नो, ये बड़ा गिला है मेरा अपने पुरखों से कि हमें सिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, मेरी दादी वो कश्मीरी पंजाबन थी, सही है, तो वो घर में पंजाबी हम बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, सुनते भी रहे हैं। इसी तरह के जो मेरी अम्मी की तरफ से नानी वॉज कश्मीरी पंजाबन। इस खानदान में मेमन कौन है, इसके नाम मेरे दादा है, वाहिद मेमन जो पाए गए मेमन थे। और ऑब्वियसली उसके बाद लेकिन बाहर से नॉन मेमन आते गए। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने जो शादियां भी हैं अपनी, सब लोगों ने वो आराम से कास्ट के अंदर कैद होके नहीं की। समझ लेती हैं आप वैसे मेमन? अनफॉर्चुनेटली नहीं, मुझे मेरे बल्कि आज मुझे लगता है कि मुझे आज ये अहद करके उठना पड़ेगा कि अब मुझे इसको समझना भी है, पढ़ना भी है। ये मेरा 2022 का प्रोजेक्ट क्या दिन है? आप कहें 2022 का प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी में, यकुम नवंबर का दिन इस अहद की तजदीद के साथ मनाया गया। तजदीद अहद वफा, कि मेमनी सीखूंगी मैं, ये मारिया मेमन ने आता है, ये अच्छी बात है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये न्यूज इस फील्ड में कैसे आ गई, क्या हुआ ये? बस हादसा ही, वो कहते हैं ना डेस्टिनी, क्या हादसा क्या हुआ? डेस्टिनीज चाइल्ड होते हैं आप। कैसे? उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि ये, मैं डिग्री तो कर रही हूँ लेकिन मैं इतनी पैशनेट नहीं हूँ उसके बारे में। ओके। और उस वक्त ऐसा हुआ कि मीडिया में एक यू नो नए चैनल्स आ रहे थे, शरफ साहब वाला जो दौर है, प्राइवेट आ रही थी, सही है। सो मैंने तो ऐसे रैंडमली वेबसाइट पे अपनी सीवी डाल दी, मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई। अच्छा। उन्होंने सवाल मुझसे सियासी पूछे, और चूंकि सियासत से इसलिए इंटरेस्ट था कि मेरी नानी बचपन में ना मुझसे कॉलम पढ़वाया करती थी अखबार के ऊंचे ऊंचे उर्दू में, जिससे मेरी उर्दू बेहतर हो। तो आपने इंटरव्यू दिया और आपका हो गया, somehow हो गया। और मैं ऐसे रिपोर्टर आपने स्टार्ट कर दिया? अब मैंने शुरू किया था कोऑर्डिनेटर से, आपने बताया। हाँ, उसके बाद वो चैनल जो है नहीं लॉन्च हुआ, फिर मैं कौन सा चैनल? जियो इंग्लिश था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 2008 की बात है। आप भाई, जी जी, आप देखें, हाँ, ये भी कोऑर्डिनेटर थी, सही है, और एक हमें मिला हुआ है यार। बस ये वक्त की बात है, ये नसीब है, क्या कहते हैं। इस गाने का तो पता करो, तुम जीतो यार, हमें तुमसे प्यार। सर जवाद अहमद नाम है इसका, इसको खरीदना है इस गाने को, आप अपने लिए चाहिए, अपने मुल्क। हाँ, आप लोग में जरूरत है इस टाइप के किसी गाने की, सही बात। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना आता है? हमारे होता हुआ देखा है काफी। आपका कभी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की किसी ने? अभी तक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और वक्त ना आए। कभी आपको डर होता है प्रोग्राम के दौरान, यार मैं क्या बात कर रही हूँ, कोई फोन ना आ जाए सॉफ्टवेयर? नहीं, ऐसा सच नहीं। अच्छा, ऐसा सच नहीं होता, बट लेकिन ऑब्वियसली इस जिसमें हम काम करते हैं एडिटोरियली चैलेंजेस होते हैं, और हो जाता है काम करते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने मुझे बहुत पर्सनली हिला के रख दिया। मैंने आपसे एक दफा और फिर आप, मैंने से बात भी की थी आपसे इस हवाले से, कि जो कि अभी मैं आते हुए भी कुछ सोच रहा था, तो मैं ट्रस्ट मी कि मैं बड़ा घबरा सा गया, क्योंकि इंसान की जिंदगी का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा फियर, हम में से जितने भी लोग बैठे हैं सबका ही होता है, अपने माँ बाप में से किसी को खोना। और माँ को खोने का से बड़ा कोई फियर होता ही नहीं। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता है कि अल्लाह ने कायनात ऐसे बनाई है और इस स्टेज से गुजरना है सबने, ये एक हकीकत है जिसको हम मतलब सोचते हुए डर लगता है। लेकिन जिन हालात में आप के साथ ये हुआ, वो और हिला देने वाला है कि कोरोना की वबा नहीं, अब तो फिर भी कोरोना से बड़ा यूज्ड हो गए, वो नया कोरोना बड़ा। जी जी। आपको कोरोना डायग्नोज हुआ और उन्हीं दिनों में, उनसे कुछ दिनों पहले या कुछ अरसे बाद, आप बताइएगा, आपकी वालदा को कैंसर डायग्नोज? जी, अच्छा, कैंसर पहले डायग्नोज हुआ था। हाँ। और उस दौरान कोविड मुझे हो गया था, क्योंकि वालदा साहिबा को हॉस्पिटल जब लेके जाते थे, 2-3 महीने के अंदर ही हुआ है, 18 दिन, दोनों चीजें 18 दिन के अंदर अंदर डायग्नोसिस से अम्मी के इंतकाल में सिर्फ 18 दिन थे हमारे पास एज ए फैमिली, और उसी दरमियान मुझे कोविड भी हुआ। मैं 7वां-8वां दिन था जब अम्मी का इंतकाल हुआ मेरे कोविड का, तो बस वो इकट्ठे ही कुछ मुश्किल वक्त खानदान पे आ गया, और बस अब क्या कह सकते हैं। बट आई रियली वांट टू नो कि आपने ये फैसला, क्योंकि इससे बड़ा फैसला कोई कैसे कर सकता है, ये इतना मुश्किल फैसला, कि आइसोलेशन में थी आप जब आपकी वालदा इस दुनिया से गई, तो यू चोज नॉट टू अटेंड हर फ्यूनरल। आप उनके, वरना एक इंसान को देता ना यार मैं आखिरी दीदार कर लूँ, आप नहीं गए उनके जनाजे पर, तो ये फैसला करने की हिम्मत कैसे आई? मतलब ये तो इससे मुश्किल फैसला मेरा ख्याल हो ही नहीं सकता कोई दुनिया में। ये आपको हिम्मत तब आती है जब आपके घर में और भी ज़ईफ़ लोग हों। मेरे वालिद साहब ही 70, उनके जितने बहन भाई हैं देर ऑल 70+, सिंस माय अबू इज़ द यंगेस्ट। तो फिर आप सोचते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है, आप जहन में कैलकुलेशन करते हैं, और फिर ये जहन में मेरे यही था कि भाई इस वक्त बाकियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, और चूंकि टेक्नोलॉजी थी तो उसका फ़ायदा उठाया, और उसके बाद फिर अपना जो मेरे वालदा का जनाजा मैंने टेलीफोन पे
वीडियो देखा, वीडियो कॉल पे देखा, लेकिन मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोग उस वक्त जो था उनका यही तजुर्बा था, एक बड़े सरियल टाइम था वो, बहुत मेरे इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो जनाजों में नहीं जा सके थे, तो शायद उससे थोड़ा सा हौसला आपको मिलता है कि यार आई एम नॉट अलोन, पर जो है सो है, जब जब वक्त पे आपको कुदरत कोई इम्तिहान देती है तो फिर आपको उससे गुजरना ही पड़ता है, कोई इसमें कोई और चॉइस नहीं है, कोई चीट शीट नहीं है ना, कोई आपके पास कोई चोर दरवाजा नहीं है, यू द ओनली वे थ्रू इट इज थ्रू इट। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे इंशाल्लाह। और ये हमारी हमेशा एक इस मुल्क में एक बहस चलती है, हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे मेहमान से बात कर रहे हैं, क्योंकि सब नहीं, सबके अपने अपने व्यूज हैं, ख्वातीन के हुकूक जी सल्ब किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, औरत मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरा जिसम मेरी मर्जी अच्छा ना रहा है बुरा ना रहा है, आपको ये लगता है कि ये दो कैंप्स बन गए हैं, लड़ाई हो रही है जहाँ एक कैंप दूसरे कैंप की बात सुनने को तैयार नहीं, अजीबोगरीब माहौल है, आपका क्या ओपिनियन है ये औरत मार्च, मैं भी मीटू मुहिम पे नहीं आता अलग पूरा चैप्टर, इसने इस कॉज को फायदा पहुंचाया है या उल्टी तनकीद ज्यादा हो गई इस पे? देखिए तनकीद जो होती है वो तो जब फॉर एग्जांपल ख्वातीन अपने वोट का हक लेने के लिए पहली दफ़ा खड़ी हुई थी तो तब लोगों ने कहा कि ये क्यों वोट चाहती हैं, उस पर बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन अब औरत मार्च में होने वाली सारी तनकीद गलत है? नहीं, सारी तनकीद गलत नहीं है, कुछ सही भी है, कुछ 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 हद से तजावुज जब किया जाता है, तजावुज हुआ आपके ख्याल में? कुछ इश्यूज के ऊपर हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि हम जो एक दूसरे के ऊपर लग रहा है कि दोनों कैंप्स एक दूसरे पे चीख रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, साइड पे रह गया लड़ाई शुरू हो गई, उनसे बात नहीं कर रहे, सो मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक साइड अपनी बात कह रही तो वो भी उतनी ही शिद्दत से चीख के कह रही है और जो दूसरी साइड है वो भी चीख, लेकिन एक फर्क है, जो लिबरल तबका होता है वो अगर बात करेंगे तो शायद अपनी जबान से अपने लहजे की शिद्दत से बात करेंगे, पर वो हथियार नहीं उठाएंगे, वो इस केस में तो जो दूसरा तबका भी है जिसके ख्याल में औरत मार्च बिल्कुल गलत है, मी टू में बिल्कुल गलत है, वो भी जबान से बोलेगा ना, वो गोली तो नहीं मारेगा, नहीं उसको नहीं, जबान से भी एहतियात से काम लेना चाहिए, लेकिन उसमें हथियार किसने उठाया? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे इश्यूज के ऊपर जब आप बहुत तनकीद कुछ खास तबके की तरफ से की जाती है तो फिर वो थ्रेट उन लोगों के लिए डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ट्रांसलेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यानी मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग चैप्टर है, लेकिन इस बात पे इख्तलाफ राय पे कौन सी एग्जांपल है एक के जिसमें किसी को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया? मेरे साथ तशद्दुद तो नहीं हुआ, पर मैं एक दफ़ा औरत मार्च जब अटेंड करने गई थी तो बड़े अग्रेसिव से एक हजरत वहाँ पे आ गए और उन्होंने फ़ोन अपना वीडियो पे डाला हुआ था और वो ही वाज ट्राई टू लाइक रियली मिसबिहेव विद मी कि अच्छा कसना। नहीं नहीं आप औरत मार्च क्या समझती हैं, वो बहुत करीब आ रहे थे जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था और मुझे लग रहा था कि बहुत अग्रेसिव हो रहे, बीच में वहाँ मेरे खावन थे उन्होंने उनको पीछे हटाया, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कभी कभी मामला सोशल मीडिया से निकल के फिजिकल हो सकता है और अभी तक नहीं हुआ, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, इसलिए हमें अपने रवैयों में नजरसानी करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, ओपिनियन रखना चाहिए लेकिन उसको डिसएग्री भी करें, लेकिन उसको एक किसी की जान खतरे में ना जाए, ये सबसे प्राइम जो है ना इसमें आपका होना चाहिए। इस बारे में आखिरी सवाल, आपको कभी लगता है कि कभी कभी जिस तरह हर कॉज के साथ होता है कि कॉज अच्छा है बुरा नहीं, मतलब कॉज अच्छा होता है लेकिन कभी कभी उसका इस्तेमाल गलत भी होता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ताकि बात वेग ना रहे प्रिसाइज हो जाए, एक इतराज उठता है कि जनाब इसको मिसयूज भी किया जाता है, एग्जांपल हमारी कॉलीग हैं और मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गरीदा फारूकी साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट की बकरा ईद के हवाले से कि जनाब जिसका एक उन्होंने कि जनाब जानवरों की कुर्बानी की, वो पूरी मैं डिटेल में नहीं जाता, उसके बाद जो है वो उन पे उन्होंने कहा कि स्पेयर एन एनिमल्स लाइफ इफ यू कैन, बकरा ईद उन्होंने कहा एम्ब्रेस द फिलॉसफी बिहाइंड द इंसिडेंट एंड द डिवाइन मैसेज इन योर लाइफ, द डे इज नॉट टू मार्क मीट ईटिंग, लव एनिमल्स लेट देम लिव, मैंने इस पे बात ही नहीं कर रहा कि बात सही है गलत है, आई हैव रिजर्वेशंस बट अब इसमें नहीं आता। इसके बाद तनकीद हुई, उन्होंने कहा कि जनाब जब इस माशरे में आप औरत होते हैं ना तो फिर ये सब, मेरा आपसे सवाल है ये ट्वीट अगर कोई मर्द करता तो तनकीद नहीं होती उसमें? तनकीद होती है लेकिन वसीम यहाँ हमें समझना होगा कि जो ख्वातीन पे जिस किस्म की तनकीद होती है वो बहुत ज्यादा जिंसी नौइयत की होती है, वो क्योंकि बहुत ही गलत होती है, सही बात है। आदमियों पे जो तनकीद होती है वो भी उनके घर की ख्वातीन के हवाले से होती है, आप जितने भी लोगों से पूछेंगे वो आपको ये बताएंगे हमारे घर में हमारी बहन को माँ को बीवी को बच्चों को, जो दोनों को जो तनकीद की जाती है दोनों को जो खतरा है वो है, लेकिन उसकी नौइयत और उसकी शिद्दत और उसकी सीरियसनेस बहुत मुख्तलिफ है। ख्वातीन के जो नीचे कमेंट्स लिखे जाते हैं उनमें रेप थ्रेट्स होती है, उसमें वायलेंस की थ्रेट की नौयत पे कह रहे हैं, टू व्हिच आई कंप्लीटली एग्री एंड आई थिंक इट इज बैड। मैं नहीं जानती कि गरीदा ने उस रद्दे अमल के ऊपर ये बात कही है या किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, लेकिन ये मैं जरूर जानती हूँ एक ट्वीट एक आदमी करेगा और एक औरत करेगी तो तनकीद की नौयत में इतना फर्क होगा कि आप सोचेंगे कि 100% एग्री बतौर खातून शायद मुझ पे अटैक किया था तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी मेरा सवाल ये इसमें सबसे एग्री करते हुए ब्रेक पे जा रहा हूँ, बिल्कुल इस सब बात से एग्री करते हुए और एंडोर्स करते हुए गलत है जो होता है,
लेकिन सिर्फ तनकीद की नौयत वाली बात तो सही है, लेकिन तनकीद अगर कोई ये मर्द ये ट्वीट करता है तो उसको इस तरह की तनकीद तो होती है इस तरह उसके की नहीं, नहीं इस तरह के से मतलब मैं जिंस वगैरह की बात नहीं कर रहा कि जनाब आप ये फलसफा गलत है, आपने बात गलत की है, ईद कुर्बान का पैगाम ये नहीं है बल्कि ये सही, लेकिन पॉइंट है कि अगेन हमें नहीं मालूम कि जो दूसरी ट्वीट है ये मैं उनसे पूछूंगी बिकॉज मेरी उनसे बात नहीं हुई कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट पे इसमें ये बात कही है कि उनकी जेंडर पे हो, शायद जो रिएक्शन है उसको देख के वो कह रहे हो, राइट, सो वी गिव हर दिस बेनिफिट ऑफ डाउट, आई वुड एटलीस्ट। ठीक है, मारिया मैन हमारे साथ मौजूद है, आप सभी हमारे साथ मौजूद है, आखिरी सेगमेंट एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 1.5 मिनट रह गया भाई, योकर राउंड की तरफ चलते हैं, मारिया कोई एक सेलेक्ट करते हैं, एक सेलेक्ट कर, नवाज हुकूमत इमरान हुकूमत, एक क्यों सेलेक्ट करें भाई, भाई क्या मैं एक को ही सेलेक्ट करेंगे ना, क्यों आप अच्छा अंपायर दो में से दो सेलेक्ट कर, आप दो में से अंपायर है? तीन सेलेक्ट कर ले, आप दो में से अंपायर है? तो दोनों को मुझे सही है, नहीं दोनों के अपने आप तो जर्नलिस्ट है ना भाई, एक भाई जब आप किसी का भी दो लोगों का तजिया करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी है, नेट रिजल्ट तो निकलता है ना कि ओवरऑल ये ज्यादा, करने दें इनको 5 साल पूरे फिर इसके बाद नेट रिजल्ट कर लेंगे, और मियां साहब की हुकूमत, मियां साहब के शुरू के 3 साल वर्सेस खान साहब के शुरू के 3 साल नेट रिजल्ट। हां इसमें ये है कि मियां साहब के लिए चैलेंजेस बहुत सारे थे फ्रॉम ऑल द फ्रंट्स, खान साहब के लिए रिलेटिवली बहुत कम चैलेंजेस थे, मदद बहुत ज्यादा, गवर्नेंस के क्लियर इश्यूज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब तो उनके अपने, इन दोनों में किसकी ज्यादा बेहतर है? आई थिंक पीटीआई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, पीएमएलएन का परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस बेहतर है, आपका नहीं हो सकता, पर पीटीआई का बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है इस वक्त, और ये उनके अपने खुद के लोग भी मानते हैं जिन्होंने अब जाके अगले इलेक्शन में टिकट लेने हैं और हलकों में जाना है, राइट, बस यही खत्म हो गया, जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए, और मौका ही नहीं दिया, है? मौका ही नहीं दिया अगले सवालों का, अरे सवाल तो बहुत हैं, लेकिन करते चलें, वक्त है कर ले, नहीं अच्छा, जिंदगी रही, सेहत, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।